हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अचीवर्स मंत्रा में रीजनिंग के टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक कैलेंडर टॉपिक करने जा रहे हैं। और अचीवर्स मंत्रा में आप लोगों को लगेगा कि यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख कर गए हो। अचीवर्स मंत्रा कोचिंग जो है वो आप लोगों के लिए एसएससी बैंकिंग सेक्टर और इसके साथ साथ डीएसएसबी के सेक्टर में भी अच्छी कोचिंग कराता है। और डीएसएसबी में आप लोगों को और इसके साथ साथ नेट्स वगैरह की कोचिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड रहती है। तो यहाँ पर रीजनिंग फैकल्टी के रूप में मैं आप लोगों को आज जो है रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक यानी कि कैलेंडर टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। और कैलेंडर टॉपिक जो है वो एसएससी के सेक्टर में इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो अगर हम लोग बात कैलेंडर की करें तो कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेज की। डेज से शुरुआत होती है और डेज अगर नहीं होते तो कैलेंडर ही नहीं होता। कुछ डेज मिलकर एक वीक बनता है, कुछ डेज मिलकर एक वीक बनता है, यानी कि आफ्टर 7 डेज यानी 7 दिनों को मिलाकर एक वीक बनाया जाता है। और कुछ वीक यानी कि 4 वीक से कुछ डेज ज़्यादा मिलाकर एक मंथ बनाया जाता है। और 12 मंथ से हमारे पास 1 ईयर होता है। अगर बात करें 1 ईयर की तो हमारे पास ईयर जो होते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं। एक वो ईयर जिसमें हमारे पास 365 दिन होते हैं और एक वो ईयर जिसमें हमारे पास 366 यानी कि 366 दिन होते हैं। तो अगर हम लोग ईयर की बात करें तो ईयर हमारे पास एक वो जो 365 डेज में होते हैं और एक वो जिसमें 366 डेज 365 दिन और 366 दिन। जिस ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं वो ईयर नॉर्मल ईयर होता है और जिसमें 366 डेज होते हैं वह ईयर जो होता है वो लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष कहलाता है। अगर बात करें ईयर की तो हमारे पास 365 और 366 दिन है और इन 365 दिन और 366 दिन के हम लोग 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने बनाते हैं। तो नॉर्मल ईयर में भी हमारे पास 12 मंथ्स और यहां भी हमारे पास 12 मंथ्स 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में एक महीना ऐसा होता है जिसमें डेज की संख्या कम या ज्यादा होती है और वो महीना होता है हमारे पास फैब का। फैब के महीने में नॉर्मल ईयर में 28 डेज और फैब के महीने में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि हमने बात की कि एक ईयर में हमारे पास डेज कितने होते हैं, एक ईयर में हमारे पास मंथ कितने होते हैं या 1 ईयर में हमारे पास कौन सा महीना होता है जिसके डेज की संख्या कम या ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वीक की तो हमारे पास 1 ईयर में वीक की संख्या कितनी होती है उसके लिए हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे 365 डेज या 366 डेज को 7 से। 7 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर हम लोगों को प्रॉपर वीक मिलेंगे और 7 डेज का 1 वीक होता है। तो 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35 रिमाइंडर बचा 1 5, 7 2 जा 14 रिमाइंडर बच गया 1। यहां बात करूं बच्चा, 7 से डिवाइड किया 7 5 जा 35 1 6, 7 2 जा 14 रिमाइंडर बच गया 2। तो चाहे हमारा नॉर्मल ईयर हो चाहे हमारा लीप ईयर हो उसमें हमारे पास वीक की संख्या 52 होती है और नॉर्मल ईयर में हमारे पास 1 दिन बच जाता है रिमाइंडर के रूप में और लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन बच जाते हैं। और ये जो बचे हुए दिन होते हैं इन बचे हुए दिनों को हिंदी में बोला जाता है विषम दिन और इंग्लिश में बोला जाता है ओड डेज, यानी कि विषम का मतलब ओड हो गया। तो ये हमारे पास अगर कभी कोई पूछे कि किसी नॉर्मल ईयर में कितने वीक होते हैं, हमारा आंसर रहेगा 52 वीक और लीप ईयर में भी 52 वीक। लेकिन नॉर्मल ईयर में 52 वीक बनाने के बाद 1 दिन बच जाता है और लीप ईयर में 2। तो यहां पर बात आती है कि नॉर्मल ईयर में हमारे पास 52 वीक प्लस 1 डे और नॉर्मल लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 डेज, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन और 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। उसके बाद बेटा चाहे तो हमारा नॉर्मल ईयर हो
बात करूं चाहे हमारा नॉर्मल ईयर हो और चाहे लीप ईयर हो, नॉर्मल ईयर और चाहे लीप ईयर हो, चाहे तो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, वो हमारा स्टार्टिंग कब होती है 1 जनवरी से और ख़त्म कब होता है 31 दिसंबर से। तो नॉर्मल ईयर भी हमारा 1 जैन से शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 दिसंबर, ये भी 1 जैन से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है 31 दिसंबर। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों ही 1 जनवरी से शुरुआत करते, 31 दिसंबर तक चलते। लेकिन नॉर्मल ईयर में वीक का, नॉर्मल ईयर में ईयर का पहला दिन और ईयर का अंतिम दिन दोनों के दोनों जो है वो सेम होते हैं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम डे। वीक, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। अगर 1 तारीख को मंडे है तो एक साल का अंतिम दिन भी मंडे होगा, यानी जिस वार से शुरुआत होती है ख़त्म भी उसी वार से होता है। और बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में नॉर्मल ईयर से 1 दिन ज़्यादा होता है, इसलिए जिस वार से शुरू होता है ख़त्म उससे नेक्स्ट डे वो होता है, यानी कि नेक्स्ट डे। अगर नॉर्मल ईयर आपका मंडे को शुरू हुआ तो ख़त्म भी मंडे को होगा, संडे को शुरू हुआ तो ख़त्म भी संडे को होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या रहता है कि जिस वार से शुरुआत होती है ख़त्म उससे अगले दिन होता है, मतलब लीप ईयर अगर मंडे को शुरू हुआ है तो ख़त्म ट्यूसडे को होगा, अगर शुरुआत ट्यूसडे से हुई है तो ख़त्म वेनसडे से हुआ है। तो साल का पहला और अंतिम दिन दोनों सेम रहते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 1 दिन का फर्क होता है। बात समझ में आई बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अभी तक मैंने बात की आपके सामने कि ईयर में डेज कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं, कौन सा महीना अलग अलग दिन लेकर आता है, वीक कितने होते हैं, ओड डेज कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में 2। साल का पहला दिन और अंतिम दिन की कहानी की, उसके बाद बात करते हैं वीक की। तो 1 वीक में हमारे पास टोटल डेज जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो वीक का जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है बच्चों? वीक का पहला दिन हमारे पास होता है मंडे, सोमवार। संडे कभी भी वीक का पहला दिन नहीं होता, हालांकि बचपन से हम लोग संडे से शुरुआत करते हैं, लेकिन वीक का पहला दिन मंडे होता है और मंडे से शुरुआत करते हुए हम लोग संडे तक चलते हैं। तो वीक का पहला दिन आपका मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हमारे पास कुल मिलाकर 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। मंडे हमारे वीक का पहला दिन होता है, ये सेकंड डे, ये हमारे पास थर्ड डे, ये हमारे पास फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे, ये सिक्स्थ डे, और यहाँ पर आकर हमारा वीक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए लास्ट में हम लोगों ने 0 किया। उसके बाद बात करते हैं 1 साल में हमारे पास कुल मिलाकर महीने कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये कुल मिलाकर 12 मंथ होते हैं। अगर इस मंथ्स के डेज की बात करूं तो हमारे पास जनवरी के महीने में 31 डेज, फेब के महीने में 28 या 29 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, ये हमारे पास 1 साल के मंथ्स के डेज का डाटा रहता है। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो हमें क्या पता लगे कि वो पर्टिकुलर ईयर नॉर्मल है लीप ईयर है जिसके बारे में पूछा जाए। तो बच्चों देखिए, छोटी सी बात आपके सामने लिखूंगा कि जब भी ईयर की बात की जाती है तब हमारे पास ईयर ऐसे लिखा होता है, जैसे अभी मैं 2023 की बात करूँ,
तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 4 डिजिट होते हैं, जिसमें से 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास सेंचुरी के होते हैं और बाकी बचे हुए डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास ईयर के होते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वंस और टेंस, इकाई और दहाई, ये दोनों डिजिट ईयर से रिलेटेड होते हैं और उसके आगे के जो दोनों डिजिट होते हैं वो हमारे सेंचुरी के होते हैं। अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर अभी हमारे पास 23 यानी कि 23वां ईयर। अभी जो हमारे पास सेंचुरी जो है वो 20 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, 21 यानी 21वीं सेंचुरी रनिंग में है और जो शुरुआत हुई थी उसकी 2001 से, ये यहाँ से शुरुआत करते हुए 21 नंबर ईयर चल रहा है और ऐसे करते करते हमारे पास 2099 आएगा, तो 99 साल हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला साल आएगा वो हमारे पास 2100 होगा, तो सॉरी 21000 होगा, 2100 होगा यानी कि 2100। तो ये हमारे पास 21 सेंचुरी का आखिरी साल होगा और इसके बाद जब नया ईयर आएगा तब हमारे पास आएगा 21 2101 और ये हमारे पास 22 नंबर सेंचुरी की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस ईयर की, तो ये ईयर हमारे पास कौन सा है, 2023। अब मुझसे पूछा जाए कि 2023 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो हम कभी भी अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान करें तो हम ईयर को लेंगे और ईयर को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो पर्टिकुलर ईयर नॉर्मल ईयर होता है यानी साधारण वर्ष होता है, और नॉर्मल ईयर को जर्नल ईयर भी बोला जाता है। तो वो पर्टिकुलर ईयर नॉर्मल ईयर है और अगर 4 से डिवाइड कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये ईयर मेरे पास नॉर्मल ईयर है। तो 2023 जो है वो मेरे पास नॉर्मल ईयर है, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये नॉर्मल ईयर था। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी और ईयर की, जैसे मान लो कि मैं बात करूं 2006 की, तो हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, रिमाइंडर बचा 2। तो मैंने 2006 में जब डिवाइड किया 4 से, तो ये भी मेरे पास नॉर्मल ईयर है। मान लो कि मुझे डिवाइड करना हो 2002 को, तो 2 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। तो जब मैंने 2002 को 4 से डिवाइड करा तो डिवाइड हुआ नहीं, तो अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो ईयर भी हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है। मान लो कि मेरे से क्वेश्चन किया जाए 1991, तो मैं 91 को डिवाइड किससे करूंगा, 4 से। 4 2 8, रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो 1991 जो है वो भी मेरा नॉर्मल ईयर है। तो जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये डिजिट उठाने, ये डिजिट उठाने हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो पर्टिकुलर ईयर नॉर्मल ईयर कहलाता है। और कभी ऐसा हो कि डिवाइड नहीं हो, डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हमें पॉइंटों में नहीं करना, तो वो पर्टिकुलर ईयर भी नॉर्मल ईयर कहलाता है। जी बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर ईयर नॉर्मल ईयर कहलाता है, बिल्कुल, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, मान लो कि मेरे पास वो ईयर हो जो 4 से मेरे पास डिवाइड हो जाए, जैसे 8 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, पूरा डिवाइड हो जाए, तो जो ईयर मेरे 4 से डिवाइड हो जाए वो ईयर मेरे पास लीप ईयर कहलाते हैं। मान लो जी 1992, ये 92 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, 1 2, 4 3 12, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास लीप ईयर है। मान लो कि मेरे पास 1990, तो मैं 90 को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, 4 2 8, 1 10, 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चा, ये जब भी हमारे पास कोई ईयर होता है
उसमें अगर हमारे पास वंस और टेंस, इकाई और दहाई दोनों के दोनों नंबर जीरो हो जाएं, जैसे 2000, जैसे 1800, जैसे 1600, जैसे 1900, हमारे पास शुरुआत के दोनों नंबर जो है वो जीरो हो जाएं, तो ऐसे ईयर को सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। और जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पर वन लिखा हो, 11 लिखा हो, 10 लिखा हो, 16 लिखा हो, 23 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यानी कि आपके पास वंस और टेंस ये दोनों के दोनों अगर जीरो हैं तो ये सेंचुरी है, और अगर दोनों में से कोई एक जीरो है, जैसे मेरे पास हो 1990, 1910, 1905, तो ये मेरे पास ईयर होते हैं। ईयर मेरे 1 से लेकर 99 होते हैं, और 99 के जस्ट अगला साल जो आता है वो सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष होता है। तो जैसे हम लोग ईयर में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालते हैं, वैसे ही सेंचुरियों में भी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होता है। जैसे मेरे पास 2000 सेंचुरी है, जैसे मेरे पास 19 सेंचुरी है, जैसे मेरे पास 18 सेंचुरी है, जैसे मेरे पास 16 सेंचुरी है, कोई भी सेंचुरी है। इन सेंचुरियों में अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान करनी हो तो डिवाइड 4 की बजाय 400 से किया जाता है, बस फर्क इतना है, उसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे थे और यहां पर डिवाइड किससे करेंगे, 400 से, और 400 से डिवाइड करेंगे, देन हमें पता लग जाएगा कि वो ईयर नॉर्मल है या लीप है। अगली कहानी वही सेम, 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बचे तो वो क्या होता है, नॉर्मल ईयर, और रिमाइंडर नहीं बचे तो लीप ईयर। जैसे मैंने यहां किया 4, 5, 20 पूरा चला गया तो ये मेरा लीप ईयर हो जाएगा। यहां पर 4, 4, 16 रिमाइंडर कितना बचा, 300, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। यहां पर देखो 4, 4, 16 रिमाइंडर कितना बचा, 200, ये क्या है, नॉर्मल ईयर। 4, 4, 16 रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो ये क्या है, लीप ईयर। तो अगर मैं बात करूं 2000 की, हमने डिवाइड किया 400 से तो ये लीप ईयर है। मैं बात करूं 1900 की, 400 से डिवाइड किया तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। मैं बात करूं 1800 की, डिवाइड किया 400 से, नॉर्मल ईयर। मैं बात करूं 1600 की, डिवाइड किया 400 से, ये लीप ईयर। तो बस इतना सा ध्यान देना प्यारे बच्चों कि कभी भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि वो ईयर है या सेंचुरी है। ईयर को 4 से डिवाइड करना है, सेंचुरी को 400 से। अगली कहानी वही, रिमाइंडर बचे तो नॉर्मल, नहीं बचे तो लीप। अब क्या है, जैसे मेरे पास, मैं बात करूं 21 सेंचुरी की, 21 सेंचुरी शुरुआत हुई थी बच्चा 2001 से, 2001 से, और अभी इस सेंचुरी को चलते हुए 23 इयर्स हैं, 23 इयर्स रनिंग में है, 23 वर्ष हो गए। तो ये जो 21 सेंचुरी है, इस 21 सेंचुरी में जो ये 23 इयर्स बीत चुके हैं, यानी कि 23 ईयर रनिंग में है, ये जो 23 नंबर ईयर चल रहा है, इससे आज तक हमारे पास टोटल लीप ईयर कितने आ गए। तो जब भी लीप ईयर की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ईयर है उस ईयर को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4, 5, 20 रिमाइंडर कितना बचा, 3। रिमाइंडर ये बताता है कि ये पर्टिकुलर ईयर खुद नॉर्मल है या लीप है। रिमाइंडर बच गया तो नॉर्मल, नहीं बचा तो लीप। लेकिन ये हमारा कांस्टेंट जो आता है, भागफल आता है, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर और ये नॉर्मल ईयर। तो 23 में से हमारे पास 5 तो लीप ईयर है, और जो बच गए वो 18 क्या है, वो नॉर्मल ईयर है। तो हम लोग इजीली इनको दो भागों में बांट सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है। अब अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल अगर मैं कंटिन्यू 100 ईयर्स की बात करूं तो 100 ईयर्स में मेरे पास लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। तो हम 100 को डिवाइड किससे करेंगे, 100 को डिवाइड हम 4 से नहीं कर सकते, 100 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 400 से, क्योंकि एक सेंचुरी है।
और सेंचुरी को डिवाइड किससे करते हैं, 400 से, और डिवाइड 400 से करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये जो हमारे पास 100वां ईयर है ये खुद क्या है, नॉर्मल ईयर, ये अपने आप में नॉर्मल ईयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे पास कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं हो, तो हम लोग 100 से तो कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम 99 की बात करें तो यहां से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। 4 2 8 1 9 4 4 16 रिमाइंडर बचा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया, 24। तो 99 में से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 99 में से 24 जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। अब 99 में से अगर 24 लीप ईयर है तो जो बाकी बच गए वो मेरे पास नॉर्मल ईयर है, और कितने बचते हैं बाकी, 75। अब मेरा क्वेश्चन 100 का था तो मैंने एक साल और ऐड कर दिया तो 100 ईयर्स हो गए, और 100 ईयर्स 99 के बाद जो अगला ईयर आया था यानी 100वां ईयर वो हमारे पास लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर था। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि लगातार 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 24 और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, 76। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है, कंटिन्यू 100 ईयर्स लगातार 100 वर्षों में हमारे पास लीप ईयर की संख्या जो होती है वो 24 होती है और नॉर्मल ईयर की संख्या 76 होती है। हो जाएगा बेटा, चलो अब मैं वापस क्वेश्चन पर आता हूं। अब मेरा आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं कंटिन्यू वन ईयर की, एक कंटिन्यू वन ईयर लगातार एक साल की बात करूं वन ईयर की, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि लगातार एक साल में हमारे पास डे 31 31 तारीख कितनी बार आती है, तो लगातार एक साल में हमारे पास डे 31 31 तारीख 7 टाइम यानी कि 7 बार आती है, जो यहां आपके सामने लिखी हुई है। फिर बात करें डे 30, एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो कई बार बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक साल में 30 तारीख जो है वो 4 टाइम यानी 4 बार आती है, वो ये कहते हैं कि 1 2 3 4, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि वन ईयर में एक साल में 30 यानी 30 दिन वाले मंथ कितने होते हैं, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक साल में डे 30 यानी 30 तारीख कितनी बार आती है, तो वो फैब को छोड़कर सब महीनों में आती है, जनवरी में भी 30 आती है, मार्च में भी 30 आती है, यानी जिस ईयर में हमारे पास 31 है उसमें भी 30 आती है। तो पूछा जाए कि एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो हमारा आंसर आता है कि 11 टाइम आती है, यानी कि फैब को छोड़कर सब महीनों में। बात करें डे 29 की 29 तारीख की, कि डे 29 29 तारीख कितनी बार आती है, तो डिपेंड करता है कि वो ईयर कौन सा है। अगर हमारे पास लीप ईयर है तो हर महीने में आएगी, बाकी सब में तो 29 पहले से भी आ रही है, लेकिन फैब भी 29 का होता है, तो हमारे पास 12 के 12 महीनों में 29 तारीख आती है। और बात करें नॉर्मल ईयर की, तो फैब 28 को खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे पास 11 मंथ रह जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 31 तारीख के एक साल में तो 7 टाइम, डे 30 11 टाइम, डे 29 डिपेंड करता है वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर है तो 12 टाइम, नॉर्मल ईयर है तो 11 टाइम। अब ये तो था हमारे पास क्वेश्चन वन ईयर का, अब क्वेश्चन आपसे वन सेंचुरी का पूछा जा सकता है, मतलब कि 100 ईयर्स का, कि कंटिन्यू 100 ईयर्स में हमारे पास डे 31 डे 30 या डे 29 कितनी बार आता है। तो बात करें डे 31 की, तो डे 31 एक साल में 7 टाइम, तो हर साल 7 टाइम आएगा, और ईयर मेरे पास 7 है, तो आंसर आएगा 7 into, आंसर आएगा 100 into 7 = 700 टाइम, 700 बार। अगर मैं बात करूं डे 30 की, 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो 100 ईयर्स में
एक साल में वो 11 बार रिपीट होती है, आंसर आएगा 1100 यानी कि 1100। बात करें डे 29 की, डे 29 29 तारीख 100 सालों में कितनी बार आई। अब बॉस अगर ये 100 के 100 ईयर 100 के 100 वर्ष मेरे नॉर्मल होते तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करता, और अगर 100 के 100 लीप होते तो 12 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन इनमें से कुछ नॉर्मल है और कुछ लीप है। हमने अभी देखा कि हमारे पास नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। तो अगर बात करूं तो कंटिन्यू 100 ईयर्स लगातार 100 वर्षों में हमारे पास लीप ईयर कितने हैं 24 और नॉर्मल कितने हैं 76। तो इस वजह से हम लीप ईयर को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि लीप ईयर में 12 बार आती है, और नॉर्मल ईयर को 11 से। तो देखिए हमारे पास कंटिन्यू 100 ईयर्स में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की संख्या, लीप ईयर होते हैं हम 24 और नॉर्मल ईयर हमारे पास होते हैं 76। ठीक है, अब लीप ईयर को मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से, और नॉर्मल ईयर को 11 से। तो यहां मल्टीप्लाई किया 12 से और यहां 11 से। अब देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएंगे बेटा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, 12 2 जा 24 प्लस 4 28। यहां पर बात करें तो 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 प्लस 6 83, टोटल लगाओगे तो 1124 1124 बार। तो क्वेश्चन पूछा जाए कंटिन्यू 100 इयर्स में डे 29 जो है वो कितनी बार आता है, तो हमारा आंसर रहेगा 1124 1124 बार। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। देखिए ये तो थी कहानी हमारे पास नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर की, वन ईयर में कौन कौन सी तारीख कितनी बार आती है। उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से मंथ हैं जिनके डे ऑन फर्स्ट सेम होते हैं। जैसे इसी साल जनवरी 2023 में 1 जनवरी को संडे था, तो हमसे पूछेगा कि अगर 1 जनवरी को संडे है तो और कौन सा मंथ है जिसकी 1 तारीख को संडे होगा। तो एक तरफ तो हमारा माइंड ये आता है कि 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा, ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन मेरी बात आपसे फर्स्ट और लास्ट की नहीं थी, मेरा कॉन्सेप्ट आपसे था कि और कौन सा मंथ है जिनका फर्स्ट डे आपका जो है वो संडे होगा। तो 1 जनवरी को संडे है तो 1 अक्टूबर को संडे होता है, या अगर मैं बात करूं 1 फरवरी को, 1 फेब को अगर वेनेसडे बुधवार है तो और कौन सा महीना है जिसकी 1 तारीख को वेनेसडे होगा, तो हमारा आंसर आएगा फरवरी के बाद मार्च और उसके बाद नवंबर। तो अगर 1 फरवरी को वेनेसडे है तो 1 मार्च